फोटो खींच के काट, जल्दी जल्दी काट दे। कौन? हाँ कर दिया काम, लगा देगा, प्रेस हो जाए। अच्छा नीचे प्रेस हो जाए, माटी बैठ जाए, बैठ जाए। वो रूटर बैटर मार, रूटर बैटर लगा दो, पर जोर मारते हो। रूटर बैटर तो टूट जाएगा, रूटर बैटर टूट जाएगा इसमें। नहीं हाँ, ये तो ये तो फ्रेंड आज मैं आपको ले आके आया हूँ साइड पे, और साइड पे दिखाने वाला हूँ कि ये हमारे पास एयरपोर्ट पे वर्किंग चल रही है। तो इसके अंदर क्या है कि जो सोयल का जो पार्ट्स है नीचे सब ग्रेड के अंदर, यहाँ की जो क्या है सोयल स्टेबलाइजेशन हो रही है, ताकि इसका क्या है सीवियर कम है ना, 4% तक सीवियर आ रहा है, तो इसलिए इसके अंदर क्या है सीमेंट को मिक्स करके सोयल के अंदर, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सोयल के अंदर क्या है, इसकी जैसे थिकनेस डालते हैं, जैसे 200 mm में 150 mm के हिसाब से लेयर डल रही है, तो उस हर लेयर के अंदर क्या 2% तक सीमेंट को मिक्स किया जाता है, और उसको क्या है फिर रोटावेटर के हिसाब से उसको क्या है मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और फिर इसके अंदर क्या है ये अच्छी कॉम्पैक्ट रहेगी, और फिर उसके अंदर फिर डेंसिटी को चेक किया जाता है, और डेंसिटी को चेक करने के बाद इसका कॉम्पैक्शन चेक किया जाता है, और इसका फिर सैंपल उठाया जाता है सीवियर के लिए, और फिर इसको सीवियर कास्ट किया जाता है सैंपल से, और सैंपल को सीवियर कास्ट करने के बाद इसको देखा जाता है कि हमारा जो सीवियर है वो 15% से ऊपर मतलब अचीव होना चाहिए, ताकि हम जो सोयल स्टेबलाइजेशन की है इसके हिसाब से, तो इसलिए क्या है कि कोई भी सोयल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या है सोयल स्टेबलाइजेशन कराई जाती है। तो आप देख पा रहे हो कि सोयल के अंदर क्या सीमेंट को मिक्स किया जा रहा है 2% तक, और ये रोटावेटर की हेल्प से इसको मिक्स कर दिया जाएगा सभी को। तो ये क्या है कि ट्रैक्टर के साथ क्या रोटावेटर आ चुका है, और ये क्या अभी इसको मिक्स करेगा पूरी सीमेंट को अंदर 150 mm तक 200 mm तक जो भी लेयर होती है थिकनेस होती है इसकी, इसके अंदर पूरी इसको मतलब सोयल स्टेबलाइजेशन करवा देगा इसके अंदर, और फिर अच्छे से इसके ऊपर क्या है रोलिंग की जाएगी रोलर के हेल्प से। बेड अगर आपका 200 मीटर है तो 200 मीटर इनटू में अगर इसकी विड्थ 75 मीटर है, और उसके हिसाब से क्वांटिटी निकाली जाती है सोयल की, और क्वांटिटी निकालने के बाद जितनी भी क्वांटिटी आएगी उसका 2% मात्र सीमेंट निकाली जाती है, और जैसे कि आपको बैग जैसे कि इसमें 200 बैग डालने होते हैं, 300 बैग 400 बैग जो भी बैग आएंगे वो इसके अंदर 2% के हिसाब से इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सीमेंट बैग है, कम से कम 200-300 बैग आए हैं, तो अभी ये इसके अंदर कटिंग होके इसके अंदर मतलब डाल दिया जाएगा सोयल के अंदर, तो ऐसे मतलब कि छिड़काव कर देते हैं 2% के हिसाब से। तो आप देख पा रहे हो कि सीमेंट को जैसे कि छिड़काव करना होता है इसके अंदर 2%, तो आप इसकी जैसे कि JCB के अंदर क्या सीमेंट डली हुई है, और ये धीरे धीरे क्या इसको छिड़काव करती जा रही है सीमेंट को इसके अंदर सोयल स्टेबलाइजेशन कराने के लिए। ये पूरी लेयर थिकनेस जितनी भी है वहां तक पूरे को मतलब ये इसके अंदर सोयल स्टेबलाइजेशन हो जाएगा।